मस्तिष्क और रीढ़ की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नाम डॉक्टर सचिन तोमर, मस्तिष्क व रीढ़ के विशेषज्ञ व सर्जन। फिनिक्स स्पाइन एवं न्यूरो सर्जरी सेंटर मेट्रो प्लाजा के निकट मेरठ मॉल में स्थित, दिल्ली रोड मेरठ। तुकबंदी और तुकबंदी जैसी बातें बोलकर ताली बजवाना आजकल नेताओं का शगल हो गया है। जितना ज्यादा तालियां उतना बड़ा नेता और उतनी ही लोकप्रियता भी। ऐसा है या नहीं, लेकिन ऐसा करने की कोशिश में आजकल सभी लगे हैं। मेरठ शहर विधानसभा से दो प्रत्याशियों के दो वीडियो ऐसे ही वायरल हो रहे हैं। एक में सपा के मौजूदा विधायक रफीक अंसारी बोलते नजर आ रहे हैं कि भाजपा ने हिंदू गर्दी मचा रखी है, तो कांग्रेस के रंजन शर्मा बोल रहे हैं कि उन्होंने भाजपा प्रत्याशी कमल दत्त शर्मा की कब्र तो खोद दी है, बस मिट्टी डालने का काम आपको करना है। ये कौन सी भाषा है और कौन सी राजनीति, सवाल आप पर छोड़ते हैं। पहले देखते हैं शहर विधायक रफीक अंसारी का वह वीडियो जो आजकल सुर्खियों में है। उसने इन पांच साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई, उन्होंने हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। मैं कहना चाहता हूँ दोस्त, अगर ये सरकार बन गई ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा मेरठ के अंदर। साथियों मेरठ के अंदर दोस्तों, यकीन मानिए मेरठ का नौजवान, मेरठ का मुसलमान कभी दबा नहीं है किसी से। लेकिन साथियों इस सरकार ने आपको दबाने का काम किया, आपको कुचलने का काम किया, आपको खत्म करने का काम किया। दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ आने वाला दौर दोस्तों ऐसा है, ये हालात बहुत खराब है। अब कांग्रेस के शहर प्रत्याशी रंजन शर्मा। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, सारे इलाके में हिंदू इलाकों में आप जाकर देख लिए, भाजपा का जितने भी नेता हैं सब अंदर पड़े हुए हैं, जाकर देख लीजिए। जो कमल दत्त है उसकी कब्र तो मना खोद दिए, मट्टी डालने का काम आपको करना है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।